हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं आपका दोस्त शांतनु कानस्कर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे मंथली कंपाइलेशन में, जहां आज हम अक्टूबर मंथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स कवर करेंगे। सारे ही पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि इसी प्रकार हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए हम मूव करते हैं हमारे पहले पॉइंट पे, जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, जहां अजिंक्य रहाणे जी को हडले के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, सैदर जैपुरीव जी को किर्गिस्तान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया है। वहीं अगर हम किर्गिस्तान की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है बिश्केक और करेंसी है यहाँ की सोम। और राजकिरण राय जी को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। वहीं अगर हम कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो जे वेंकट रामू जी को इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। और नीलेश शाह जी को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के चेयरमैन के तौर पर रीअपॉइंट किया है। वहीं मोहम्मद हुसैन जरोबैल जी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया के रूप में अपॉइंट किया है। शेखर कपूर जी को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया है। और सौरव गंगुली जी को बंगाल पीयरलेस हाउसिंग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। हमारी अगली कैटेगरी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जहां राफेल नडाल जी ने फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब जीता है। वहीं महिलाओं की श्रेणी में इगा स्वैतिक जी ने फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब जीता है। अगर हम इन दोनों खिताबों में रनरअप्स की बात करें तो मेंस रनरअप रहे हैं नोवाक जोकोविक और वुमेंस रनरअप रही हैं सोफिया केनिन। और लुइस हैमिल्टन जी ने ईफिल ग्रैंड पिक्स 2020 का खिताब जीता है। वहीं अगर हम कुछ और स्पोर्ट्स अफेयर की बात करें तो पाकिस्तान के फॉर्मर पेसर बॉलर उमर गुल जी ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट घोषित किया है। इलावेनिल वलावरीवन, इन्होंने एयर राइफल वुमेन्स इंटरनेशनल एयर राइफल वुमेन्स चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और निहाल सरीन जी ने 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैम्पियनशिप जीती है। वहीं अगर हम कुछ और स्पोर्ट्स अफेयर्स की बात करें तो वाल्टेरी बोटास जी ने रशियन ग्रैंड पिक्स जीती है। और रोबर्ट लेवेंडोव्स्की जी ने हाल ही में यूएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। हमारी अगली कैटेगरी ओबिचुरीज से रिलेटेड है, जहां बॉलीवुड एक्टर विशाल आनंद जी का हाल ही में निधन हुआ है। आर्टिस्ट केसी शिवशंकरन जी का हाल ही में निधन हुआ है। और लिरिसिस्ट अभिलाष, जिन्होंने इतनी शक्ति हमें देना दाता को कंपोज किया था, इसे लिखा था, उनका हाल ही में निधन हुआ है। हमारी अगली कैटेगरी इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड है, जहां श्रीलंका की गवर्नमेंट ने हाल ही में काउ स्लॉटर के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है जयवर्धनेपुरे कोटे, और श्रीलंका की एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। वहीं अगर हम श्रीलंका की करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी है रूपी। हमारी अगली इंटरनेशनल अफेयर्स है कि फ्रांस गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है ग्रेजुअल बैन ऑन द यूज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल इन सर्कस। वहीं अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यहाँ की यूरो। हमारी अगली न्यूज़ स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड है, जहाँ दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली राष्ट्रीय सरकार ने हाल ही में युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध एक कैंपेन लॉन्च किया है, जहाँ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं और दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी हैं। हमारी अगली न्यूज़ में नो मास्क नो राइड कैंपेन महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है, जहां महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और यहां के गवर्नर है भगत सिंह कोशियारी जी। असम की स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लॉन्च की है, अनुंदोबोरम बोराह अवार्ड 2020 टू द स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड 75% और अबाउ इन मेट्रिकुलेशन एग्ज़ाम, जहां असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी हैं और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी।
हमारी अगली न्यूज़ असम से ही रिलेटेड है, जहां असम राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी स्कीम लॉन्च की है और सिक्किम के दल्ले कुर्सानी, जो कि एक फेमस रेड हॉट चिली पेपर है, उसे जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन इंडिकेशन टैग से सम्मानित किया है। हमारी अगली न्यूज़ अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड है, जहां वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया है। लुई ग्लूक इन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से सम्मानित किया है। वहीं अगर हम कुछ और अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो रॉजर पेनरोज जी को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया है। रीनहार्ड जेंजल और एंड्रिया जेस इन्हें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया है। हार्वी जे ऑल्टर, मिशेल ह्यूंगटन और चार्ल्स एम राइस इन्हें नोबेल प्राइज इन मेडिसिन से सम्मानित किया है। इमानुएल शार्पेंटर एंड जेनिफर डूडना इन्हें नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से सम्मानित किया है और पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन जी को नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया है। तो दोस्तों, ये था अक्टूबर मंथ का मंथली कंपाइलेशन। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।